हैं। पंजाब में सुरक्षा के लिए ईसाई समाज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। नेशनल क्रिश्चियन लीग ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है। उन्होंने तरन तारण के चर्च में तोड़फोड़ और कार फूंकने का हवाला दिया है, जिसके बाद ईसाई भाईचारे और चर्चों के लिए सिक्योरिटी की मांग की गई है। इसके पहले वह सीएम भगवंत मान को भी मांग पत्र दे चुके हैं। इसके बावजूद तरन तारण घटना के बाद उनके लिए पंजाब में खतरा पैदा हो गया है। नेशनल क्रिश्चियन लीग के प्रधान जगदीश मसीही और चंडीगढ़ निवासी सुखजिंदर गिल ने कहा कि पंजाब में शांति और भाईचारा कायम रखना जरूरी है। इसके लिए हाईकोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार और पुलिस को कड़े निर्देश जारी करने की मांग की गई है। कुछ दिन पहले तरन तारण के चर्च में आधी रात को कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिन्होंने चर्च के बाहर लगी भगवान यीशु और मां मरियम की मूर्ति का सिर तोड़ दिया था। पादरी की कार में भी आग लगा दी थी। इस बारे में इंसाफ के लिए ईसाई भाईचारे को धरना भी लगाना पड़ा और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। तरन तारण के जिले पट्टी के विखे कैथलिक चर्च के जिस तरीके का हमला होया सीगा, जिस तरीके हमले तो बाद जी कि इस मसले का पूरा जरा कि हूँ मामला है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के विखे पहुँच चुका है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अज जी कि पटीशन फाइल की गई है और मंग जी की गई है कि सुरक्षा जी मुहैया कराई जाए। जानकारी दसना चाहवागे कि चंडीगढ़ के सुखजिंदर जे कि रहन वाले सुखजिंदर गिल जो ईसाई धर्म के संबंधित रखते हैं, उन्होंने वालों एक याचिका दाखिल करके एक मंग की गई है कि इस कम्यूनिटी के लोगों को सुरक्षा मुहैया जी करवाई जाए। हालांकि अज सिर्फ फाइलिंग की गई है, मामले की जो सुनवाई है इस हफ्ते यानी कि शनि एतवार का दिन आ गया, आने वाले अगले हफ्ते के कभी भी जी की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके के नाल पूरा मामला होया इस तो बाद हालांकि इस निंदा हर पार्टी वालों की गई, चाहे आम आदमी पार्टी की गल की जाए, चाहे अकाली दल की गल की जाए, आम आदमी पार्टी की गल की जाए, भाजपा की गल की, इस चीज़ की निंदा जरूर की गई और सीएम वालों कहा गया इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह पूरा मामला हूँ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के भी पहुंच चुका है और मांग यह की गई है कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए। देखना बहुत अहम रहेगा जो इस मामले के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सुनवाई होगी तो किस तरीके का रुख हाईकोर्ट का इस पूरे मसले के उपर रहा है। कैमरामैन विनोद दिनाल चंडीगढ़ तो अमनप्रीत कौर। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता अमनप्रीत कौर इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अमनप्रीत, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। पंजाब में सुरक्षा के लिए अब ईसाई समाज ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देखिए, जिस तरीके से तरन तारण में जो पट्टी गांव में जिस तरीके से ये घटना जो सामने रही, उसके बाद पंजाब में कहीं ना कहीं ये धार्मिक भावनाओं को आहत की बात सामने निकल के आई थी और इसके साथ ही कई और हिस्सों पर भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली थी, जिसके बाद ईसाई धर्म की ओर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया गया है। सिर्फ एक एप्लीकेशन दायर की गई है और उसे मांग की गई है कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और आपको यह बताना चाहेंगे कि इस तरीके का मामले सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुनवाई हुई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्ती की सख्ती दिखाई गई थी, लेकिन अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में उनके वीकेंड आ चुका है, शनि एतवार छुट्टी रहेगी, तो सोमवार को लेकर शुक्रवार के बीच बीच में कभी भी इस मामले की सुनवाई जरूर हो सकती है। लेकिन देखना बहुत अहम रहेगा कि कोर्ट किस तरीके के निर्देश जारी करता है। हालांकि अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार पहले से ही इस मसले को लेकर काफी सख्ती में है और सीएम की तरफ से ये सख्ती के लिए कहा गया था कि इसकी निंदा भी की गई थी और कहा गया था कि इस तरह की घटना पंजाब में आगे नहीं होगी, इसकी उन्होंने इंश्योरिटी की थी। लेकिन ईसाई भाईचारे की तरफ से साफ तौर पर एक मांग भी की जा रही है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उसके लिए उन्होंने कोर्ट का रुख किया। देखना बहुत अहम रहेगा कि कोर्ट में आगे इस मामले में किस तरीके की सुनवाई रहती है और कोर्ट किस तरीके के आदेश इस मामले में जारी करता है। बिल्कुल अमनप्रीत, देखने में आ रहा है कि लगातार ईसाई समाज अब डरा हुआ है और जैसा कि जानकारी आप भी दे रही हैं और पता भी है कि पहले भगवंत मान को भी पत्र सौंपा गया था, उस पत्र को सौंपने के बावजूद तरन तारण की घटना आई, तो क्या फिर ऐसा माना जाए कि अभी तक ईसाई समाज के डर को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था और वाकई में क्या प्रदेश में अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है? अमनप्रीत, देखिए, ये जब मसला कोर्ट में चले जाता है तब थोड़ा सा गंभीर इसलिए क्योंकि चाहे हम किसी भी कम्युनिटी की बात की जाए, अगर इस तरीके की घटना जब घटती है तो सरकारों के ऊपर भी जरूर जाती है, लेकिन कोर्ट का रुख कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इसलिए किया जाता है ताकि जो कोर्ट इस मामले में पूरे तरीके से इंटरवीन करके इस मामले को सख्ती से कोई ना कोई या तो कोर्ट नियम लागू करे या कोई निर्देश जारी करे। अगर कोर्ट की तरफ से कोई नियम और निर्देश जारी कर दिए जाते तो सख्ती से सरकार को भी उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरा एफर्ट किया जा रहा है कि इस मसले को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है और सरकार की तरफ से आपत्त भी किए जा रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, लेकिन अब कोर्ट का रुख है, कोर्ट में किस तरीके की चीजें होती है अब वो देखना अहम रहेगा। चलिए, शुक्रिया अमनप्रीत, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा पंजाब में सुरक्षा के लिए ईसाई समाज ने खटखटाया है। नेशनल क्रिश्चियन लीग ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है। उन्होंने तरन तारण के चर्च में तोड़फोड़ और कार फूंकने का हवाला दिया।